नमस्कार, SBN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस एक बार फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है और अभी ये पूर्वोत्तर भारत में है। राहुल गांधी की अगुवाई वाली ये यात्रा कल तब सुर्खियों में आ गई जब कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उनकी गाड़ी पर कथित तौर पर हमले की बात कही गई। उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी के कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो और स्टिकर निकाल कर नाली में फेंक दिया। अब इन हमलों के खिलाफ कांग्रेस आक्रामक हो गई है। राजस्थान में पार्टी मंगलवार को प्रदेश भर में मौन विरोध प्रदर्शन करेगी। बता दें कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि पार्टी असम में राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कथित हमले के विरोध में मंगलवार यानी आज राज्य भर के जिला मुख्यालयों में मौन सत्याग्रह करेगी। पार्टी ने बीजेपी और असम की हिमंत बिस्व शर्मा सरकार पर यात्रा को बाधित करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस ने एक दिन पहले रविवार को ये आरोप लगाया था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उसके नेताओं पर बीजेपी समर्थकों की ओर से हमला किया गया। यही नहीं, राहुल गांधी जब बस से गुजर रहे थे तो भीड़ ने जरा वहां पर जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाते हुए उन्हें घेर लिया। पार्टी ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि पार्टी ना तो प्रधानमंत्री से डरती है ना ही असम के मुख्यमंत्री से डरती है। तो वहीं कांग्रेस के एक प्रवक्ता की ओर से यह आरोप लगाया गया कि बीजेपी और असम सरकार द्वारा राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकने की हर कोशिश की जा रही है। बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में 14 जनवरी से शुरू हुई थी जो 20 मार्च को खत्म होगी। इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी बस और पद यात्रा करेंगे जिसमें वो 15 राज्यों की 6,700 किलोमीटर की दूरी तय कर 110 जिलों से गुजरेंगे जिसमें 100 लोकसभा सीटें भी आती हैं। ऐसे में मुख्य रूप से कांग्रेस की नज़र पूर्वोत्तर की सीटों पर मानी जा रही है। इसके अलावा बता दें कि कांग्रेस की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा सबसे लंबा वक्त अपना उत्तर प्रदेश में बिताने वाली है जहाँ देश की सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें आती हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SBN 9 न्यूज़।